दोस्तों अभी होटल में हमने चेक इन कर लिया है और चेक इन करके नहा धो के हम तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं अपना जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल अभी जाएंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा एक यहाँ पे मार्केट है अपनी, एक लोकल मार्केट बताया था होटल वाले ने कि वहाँ पे अमृतसर कुलचा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ जाके फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों फिर हम चलेंगे अपना गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल की झलकियाँ फिर मैं आपको बताऊँगा। और आप बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी हूं मैं और आपको लग रहा है ये गोल्डन टेंपल की ये आपकी लोकल मार्केट है। ये देखिए, ये जो आप व्हाइट कलर का देखेंगे, इसमें जितने शहीद हुए थे इधर, उन सब की यहाँ पे मेमोरी के तौर पर इन सब की फ़ोटो लगाई गई है ऐसे मूर्ति के तौर में। और देखिए यहाँ पे पंजाब में आप कभी भी आएंगे तो पंजाब में आपको जो जूती होती हैं, सूट होते हैं, फुलकारी सूट, यहाँ पे फुलकारी सूट बहुत फेमस है। तो फुलकारी में क्या होता है कि ये अपने हाथ से सारा डिज़ाइन होता है, हाथ से ही अपने सूट को करेंगे और अपना जो ये दुपट्टा होता है ये फुलकारी यहाँ की पहचान है और पंजाबी जूतियाँ। ये देखिए मेरी फैमिली भी एंजॉय करते हुए, ये हम आपको एक छोटी सी झलक है इधर की, ये गोल्डन टेम्पल की। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गर्मी बहुत थी, एक्चुअली हम इधर के हैं पहाड़ के एरिया के, तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है। और प्लस अभी मार्च के महीने में हम यहाँ पे गए थे तो हमें तो हमारी तो बुरी हालत हो गई थी, पर चलो ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर ही लेता है आदमी। देखिए आप जैसे देखेंगे यहाँ बढ़िया अच्छे अच्छे शॉप्स हैं, यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और आपको ये है कुलवंत का फेमस कुलचा, जो आप यूट्यूब में भी देखेंगे, जो वायरल हुई थी वीडियो यहाँ की, कुलवंत का फेमस कुलचा। आप देखेंगे बाहर कितनी लाइन है, जितनी बाहर आप देख सकते हैं लाइन, उतनी ही अंदर भी लाइन है। अब देखिए यहाँ पर हमारा नंबर कैसे आता, और हमें अभी वाघा बॉर्डर भी जाना था, तो वाघा बॉर्डर 2 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, अभी बज रहा था 1, तो 1 घंटे का हमारा टाइम था, 1 घंटे में तो हमारा नंबर आने से रहा था और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने बोला चलो कुलवंत कुलचा का मज़ा हम बाद में ले लेंगे, पहले अपना जिस काम के लिए आए हैं वो काम करेंगे। तो एक बगल में एक अच्छा सा होटल था, उस होटल में से ही हमने यहाँ पे एक थाली ऑर्डर करी, और थाली दोस्तों बहुत बढ़िया थी, कुछ मिर्ची विर्ची कुछ नहीं था खाने में, बढ़िया। मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, ये देखिए उसका इन्जॉयमेंट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इन्जॉय कर रहा हो। फिर वहाँ पे दोस्तों अभी एक्चुअली आज हमें गोल्डन टेम्पल जाना था, लेकिन प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ कि वहाँ हमें आज बाघा बॉर्डर जाना पड़ गया, तो हम बाघा बॉर्डर के लिए निकल गए। वहाँ पे शेयरिंग ऑटो मिलते हैं जो कि आपको 150-200 रुपये लेता है आने जाने का, और फेवरेबल प्राइस है, और सब 2 बजे निकलते हैं, 2 से 3, 3:30 बजे तक वो पहुँचा देगा आपको उधर, या मैक्सिमम 4 बजे तक। ये देखिए अमृतसर की रोडों के कुछ झलकियाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रैफिक का कुछ ज़्यादा इशू रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा ही है, पर ये देखिए जैसे हाईवे तो अभी अब ठीक हो गया है। और देखिए अटारी बॉर्डर में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, ज़बरदस्त लेवल की भीड़ है देखिए। और यहाँ पे थोड़ा फ़ोन बचा के भी चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब आपका फ़ोन निकल जाए। ये देखिए यहाँ से अटारी बॉर्डर की एंट्री हो जाएगी, और जैसे आप अंदर आएंगे वैसे आपको जो अंदर नारे हो रहे हैं, जो रिट्रियल सेरेमनी है उसके आपके जो नारे हैं, वो नारों से आपके गूस बम्प्स बॉडी में एक अलग से आपका जोश आ जाएगा। देखिए बहुत से यहाँ पे स्टॉल हैं, अगर आपको खाना पीना बाहर से नहीं लेके आना है तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, चिप्स हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, अंदर लेके जा सकते हैं। बस अंदर आपको पावर बैंक ये चीज़ें लेके नहीं जानी है, पावर बैंक हो गया, कोई हथियार वथियार है, खैर ये तो जेन्युइन बात है तो लेके आदमी वैसे नहीं जा सकता है, ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते हैं कुछ। और खाने पीने में कोई पाबंदी नहीं, खाने पीने का सामान आप आराम से अंदर लेके जा सकते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, और ये भीड़ जब हम शाम को बाहर निकलेंगे 5:30 से 5:30 ये सेरेमनी होती है, तो 5 से 5:30 बजे जब ये क्लोज होता है, जब यहाँ से जब भीड़ निकलती है तो वो तो जैसे इलाहाबाद हरिद्वार का कुंभ का मेला समझो आप, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अभी तो खैर सब एंट्री कर रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी भी आ गए, हम शायद अभी 4:15 हो रहे हैं शाम के, तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, बस आ रहे हैं लोग वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए ये एंट्री होती है यहाँ पे,
एक साइड आपकी फीमेल की एंट्री होगी, एक साइड मेल की एंट्री होगी, और बहुत ही टाइट चेकिंग होती है इधर। ये देखिए इन्होंने जैसे कुछ फीमेल्स जेंट्स की लाइन में जा रही थी तो हमारे आर्मी के जो भाई हैं उन्होंने उनको साइड कर दिया है। और देखिए आप रिट्रियल सेरेमनी जहाँ पे होती है अटारी बॉर्डर, क्या शानदार झलके हैं। हर आदमी आपको यहाँ पे एक जोश से भरा, एक पॉजिटिविटी के साथ मिलेगा आपको, देखिए। और यहाँ से आप जो लाहौर है, लाहौर केवल 24 किलोमीटर है, और अमृतसर आपका यहाँ से पड़ेगा 39 किलोमीटर। तो आपको अगर लाहौर जाना है तो खैर भगवान ना करे आपको कभी लाहौर जाना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम सुनते ही हमारे खून खोल जाता है ना। तो यहाँ से लाहौर नज़दीक है, अमृतसर दूर है। ये देखिए यहाँ पे इनकी चेकिंग वेकिंग का पूरा प्रोविज़न है। देखिए आप ये जो आप लाल कलर की बिल्डिंग है सामने देखेंगे, बस इसी से अंदर एंट्री करनी है, बस यहीं अपनी सेरेमनी होती है। बहुत बढ़िया सेरेमनी होती है, आप बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। अब देखिए मैं आपको आज कुछ भी वीडियो स्किप नहीं करूँगा, वहाँ की पूरी जो भी सेरेमनी होती है सारी दिखाऊँगा, आप बस देखते रहना। देखिए यहाँ पे लाइन लगती हुई, यहाँ पे देखिए हमारे BSF के जो जवान हैं वो चेकिंग करते हुए, वो पहले से ही सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किसी का मोबाइल है, चार्जर है, वो सब बाहर निकालें, हाथ में रखें, क्योंकि इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता है कि वो जेब से निकालते रहेंगे हर चीज़ को। तो जो मोटा मोटा सामान है वो जेब से बाहर निकाल के रखें, और बाकी बारीकी से जो उनकी चेकिंग है वो तो वो कर ही लेंगे। तो मैंने भी अपनी चेकिंग वेकिंग कराई, चेकिंग वेकिंग करा के मेरे को उन्होंने जाने दिया अंदर। ये देखिए अब आगे के नज़ारे आप देखिए, कितने बेहतरीन नज़ारे होने वाले हैं। देखिए पूरे अपना मेटल डिटेक्टर के साथ वो चेकिंग होती है कि कोई मेटल वेटल की चीज़ तो नहीं जा रही है अंदर। सिक्के विक्के हैं वो चलेंगे, लेकिन एक्सप्लोसिव नॉट अलाउड। देखिए आगे हर आदमी जोश से भरा है इधर, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए। ये देखिए आप हमारा हिंदुस्तान का जो झंडा है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं, ये देखिए हमारा हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा हमारा प्यारा तिरंगा। ये देखिए ये BSF की बख्तरबर गाड़ी, इसमें अगर आप हैंड ग्रेनाइड, रॉकेट लॉन्चर कुछ भी इसमें अगर गिरेगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसको कहेंगे, बुलेट क्यू मिसाइल प्रूफ गाड़ी इसे कहेंगे हम। और ये देखिए हैंड यूनिटी का है, इसका मतलब है कि ये जैसे अटारी वाघा बॉर्डर है, इसमें ये सेरेमनी इसीलिए हुई है कि इसका एक पर्पस है कि कोई एनिमी शिप नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों जो देश हैं ये दुश्मन नहीं है, हम दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो इस तरह एक यूनिटी का एक सिंबल था वो। देखिए हमारा हिंदुस्तान का झंडा, फर्स्ट में आप देखेंगे हिंदुस्तान का झंडा है, और देखिए आगे वो पाकिस्तान का झंडा है। वो बिल्डिंग आप देखेंगे तो उस बिल्डिंग के अंदर आपको सेरेमनी का नज़ारा मिलेगा। देखिए ये पहले एक्चुअली दोस्तों फर्स्ट फ्लोर था, फिर सेकंड फ्लोर हुआ, अब ये 6th फ्लोर हो गया है। तो 6th फ्लोर की ये बिल्डिंग है, पूरी चकाचक भरी रहती है, इतने इसमें आदमी होते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इतने लोग आते हैं, हर दिन लोग आते हैं, सोचो हर दिन 24/7 यहाँ पे भीड़ रहती है अटारी में। और ये जो भीड़ है ये दिन के 12 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 6 बजे, क्योंकि 5:30 तो सेरेमनी होती है। देखिए ये हमारा जो आप देखेंगे इतना बड़ा जो ये महल है, इस महल के अंदर ये सेरेमनी है। ये देखिए आप ये पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया, अगर आपने कोई ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी हॉलीवुड की तो उसमें आप देखते हैं कि वो इस तरह का एक गोल सा स्टेडियम टाइप का रहता है और वहाँ अंदर अपना वो लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई नहीं होती है, यहाँ पे एक सेरेमनी होती है, परेड होती है आर्मी की। और बहुत अच्छा यहाँ पे आपको अंदर बॉलीवुड के गाने भी देश प्रेम वाले सुनाई देंगे, लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे ऐसे आपके वहाँ पर नारे लगते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आता है, बहुत प्यारा। बस हम यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपना, मैं तो सोचा है दोस्तों मैं तो सबसे टॉप फ्लोर में रह जाऊँगा, वहाँ से वीडियो बनाऊँगा। देखिए ये है पाकिस्तान का झंडा और ये है पाकिस्तान की हालत जो कि दयनीय स्थिति में है,
ये देखिए वहाँ पे गिने चुने लोग हैं बेचारे, वो भी शायद मुझे लग रहा है कि उनको बोला गया होगा कि आपको शाम को खाना फ्री देंगे, तो इस वजह से बेचारे आ गए होंगे 10-12। और ये देखिए हमारी हिंदुस्तान की जनता, अभी दिखाऊंगा आपको, ये है हमारी हिंदुस्तान की जनता। मैं हूँ फर्स्ट टॉप फ्लोर में और देखिए चकाचक, एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलने वाली यहाँ पे, फुल फ्लैश में पूरी जनता है इधर, क्योंकि हिंदुस्तान है दोस्तों, ये हिंदुस्तान का जो देश प्रेम है ये हर इंसान में आप देख सकते हैं कैसे झलक रहा है। ये देखिए इतना बढ़िया है यहाँ पे नज़ारा, शानदार नज़ारा है इधर का, हर सीट यहाँ पे भरी पड़ी है। ये देखिए आप, देखिए हमारे भारत के लोग कितने जोश, कितने कितनी गर्मी के साथ बैठे हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे होंगे दोस्तों, कभी आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए, आप देखिएगा कि आप कितना यहाँ पे जोश और गर्मी है। हर आदमी यहाँ पे, चाहे नॉर्थ हो जाए, साउथ हो जाए, ईस्ट हो जाए, वेस्ट हो, हर जगह के लोग यहाँ पे आए हैं। और कितना बढ़िया इन्होंने देखे स्टेडियम ये बनाया है, इतना अच्छा है, मैं भी अपने आप को रोक ना सका, मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ तस्वीरें ले लेता हूँ यहाँ इस स्टेडियम के साथ, कुछ यादें मेरी भी रहेंगी। ये देखिए कुछ भाई मेरे पूछ रहे हैं कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने बोला आपकी बाद में बनाऊँगा, पहले मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा चलता रहता है थोड़ा बहुत। देखिए गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन फिर भी डटे रहना है, जैसे हमारे जवान डटे रहते हैं बॉर्डर्स में, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो। ये देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे और लेडीज अपना जो इंडिया का फ्लैग है वो फ्लैग लेके यहाँ पे स्टार्टिंग जब होती है सेरेमनी की, तो वो आते हैं अपना फ्लैग व्लैग वो अपना फहराते हैं, और अपना 5 मिनट वो अपना छोटा मोटा डांस होता है, फिर वो अपने चले जाते हैं। उसके बाद फिर आर्मी की रिट्रीवल सेरेमनी होती है BSF की। तो BSF यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है इधर अटारी वाघा बॉर्डर में। अटारी एक्चुअली हिंदुस्तान का गांव है और वाघा पाकिस्तान का गांव है, तो इसलिए इसको अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीवल सेरेमनी कहा जाता है। देखिए आप ये रहता है अपना, कितना बढ़िया स्टेडियम बना रखा है इन्होंने, देखिए कितना शानदार है। और एक पाकिस्तान का तो खैर नाम ही क्यों लेना, यहाँ पे अच्छे मूड को खराब करने वाली बात उड़ाती है। ये देखिए फिर भी देखो थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे वहाँ पे, मैंने तो खैर वहाँ की वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं, क्योंकि मुझे उधर से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे, हिंदुस्तानी मेरा दिल है, वही मेरा खून है, यहीं पैदा हूँ यहीं मरूँगा, और देश प्रेम मेरे अंदर क्या सारे हिंदुस्तानियों में कूट कूट के भरा है। तो आज जैसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ का देखो गिने चुने 4-5 लोग आ रखे हैं दोस्तों। जब यहाँ पे हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं ना, तो वहाँ की जो धरती है वो काम जाती है, और वहाँ के जो लोग हैं, जैसे स्प्रिंग के ऊपर किसी आदमी को बैठा के स्प्रिंग जब हम एक्शन रिएक्शन होता है, तो इस तरह से वहाँ की ज़मीन वाइब्रेट करती है, तो सब उछल जाते हैं बेचारे। देखिए हमारे आर्मी के जवान तिरंगा ले के बढ़िया फहरा रहे हैं, उनके कैडेट का जो फ्लैग है वो फ्लैग भी वो ले रहे हैं, वो भी अब फहराते हैं पूरी जनता के सामने। ये देखिए स्टार्टिंग है अभी अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीवल सेरेमनी की। देखिए थोड़ी भीड़ भीड़ ज़्यादा ही है दोस्तों यहाँ पे, तो कैमरा वैमरा हिल ही जाता है, क्या करें। ये देखो आप कितना बढ़िया है,
व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट शामिल ब्रेक पर एक बार पुनः स्वागत है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतारते हैं और आज की इस सांसद बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं श्री गौरव शर्मा अश्विन प्रणाम हम के सहयोगी सुमित बक्कर विद्यालय सभी कृपया ध्यान दें आज की शानदार परेड के गार्ड कमांडर है मुख्य आरक्षक पवन कुमार। Come on!
दोस्तों तो ये था अटारी वाघा बॉर्डर का रिट्रीवल BSF द्वारा रिट्रीवल सेरेमनी। आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा। और मैंने कोशिश करी इस ब्लॉग में आपको जो मेन अटारी वाघा बॉर्डर की रिट्रीवल सेरेमनी है ये मैक्सिमम कवर करने की। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने घर को। हम बैठे हैं अपने बढ़िया से ऑटो में, ऑटो से सीधा अपने होटल। आप लोग दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज आपका सब्सक्राइब मोटिवेशन रहता है मेरे लिए कि जहां भी मैं जाऊं घूमने वहां एक वीडियो बनाऊं और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।